हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर टू द एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो और इन दिस चैप्टर विल डिस्कस टू रेवल्यूशन वन इज ऑफ अमेरिका एक होगा अमेरिका का जिसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रेवोल्यूशन कहते हैं दूसरा होगा फ्रांस का जिसे हम फ्रेंच रेवल्यूशन कहते हैं बोथ द स्टोरीज वन इज ऑफ अमेरिका एंड अदर इज ऑफ फ्रांस आर वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई होप यू विल इन्जॉय बोथ द स्टोरीज तो बेटा पहले हम लोग देखेंगे एटीन सेंचुरी हम किस तो को कहते हैं तो एटीन सेंचुरी हम उस पीरियड को कहते हैं बच्चा जो सेवनटीन जीरो वन से स्टार्ट होती है और एटीन हंड्रेड पे ख़त्म हो जाती है किसको हम एटीन सेंचुरी कहेंगे हम एटीन सेंचुरी उस पीरियड को कहते हैं जो सेवनटीन जीरो वन से तो स्टार्ट होता है और एटीन हंड्रेड पे ख़त्म हो जाता है तो ये जो एटीन सेंचुरी थी ये एक ट्यूबल ट्यूअर्स चेंज लेके आई अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए अब ट्यूबल ट्यूर्स का मीनिंग क्या होता है बहुत ही शोर वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना Uh, कोला हल्पून अगर हिंदी में बोले तो है ना हर जगह एन की थी लोग बहुत कुछ सोच रहे थे बहुत कुछ जान रहे थे साथ ही साथ बहुत कुछ उनकी लेने की इच्छा भी थी तो टिमल्टीवस चेंजेस आए अमेरिका में और यूरोप में देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आ रहे थे आर्ट में चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी साथ ही साथ यूरोप और अमेरिका में इसी टाइम में होती हैं दो बड़ी क्रांतियाँ और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लिखे हैं इसका मतलब राजनैतिक क्रांतियाँ पॉलिटिकल लेवल uh, पे दो क्रांतियाँ हुई विच हैड इम्पैक्टेड नॉट ओनली अमेरिका जिन्होंने सिर्फ अमेरिका और यूरोप को ही इम्पैक्ट नहीं किया जबकि के पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं ये सेवनटीन सेवेंटी फाइव से सेवनटीन एटी थ्री तक चला 1775 से 1783 तक चलता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर के 1795 तक चलता है ठीक है बात तो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 में स्टार्ट होगा और 1783 में खत्म हो जाएगा वहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से स्टार्ट होगा 1795 पे खत्म हो जाएगा और ये दोनों ही रेवोल्यूशन बहुत इमेंस चेंजेस लेके आए बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आए हमारे सोशल स्ट्रक्चर में हमारी सोसाइटी में पॉलिटिक्स में इकॉनमी में अमेरिका की भी और यूरोप की भी यूरोप की इकॉनमी को यूरोप की पॉलिटिक्स को भी चेंज करके रख दिया और अमेरिका की इकॉनमी और अमेरिका की पॉलिटिक्स को भी चेंज कर दिया इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी अभी लास्ट क्वार्टर क्या है तो लास्ट क्वार्टर देखो देखो जब एटीन सेंचुरी चालू हुई कब से चालू हुई 1701 जीरो वन से चालू हुई तो फर्स्ट क्वार्टर इसका चलेगा ट्वेंटी फाइव तक सेकेंड क्वार्टर इसका चलेगा ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी तक थर्ड क्वार्टर फिफ्टी से सेवेंटी फाइव तक पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लास्ट क्वार्टर मतलब सेवेंटी सेवेंटी फाइव से एटीन हंड्रेड तक का जो टाइम रहेगा इस टाइम में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए इकॉनमी में भी और सोसाइटी में भी ठीक हुई बात चलें आगे बैकग्राउंड पढ़ेंगे अब हम सेक्टलर्स इन द न्यू वर्ल्ड चलो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को का 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका ढूंढ चुके थे अमेरिगो वेस्पुची मेड फोर वोएज और जो अमेरिको वेस्पुची थे जिनके नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया उसने भी चार वोएजेस किए वोजेस का मतलब क्या होता है बच्चा समुद्री यात्रा वोएज़ का मतलब क्या होता है समुद्री यात्रा तो अमेरिको वेस्पुची ने भी चार समुद्री यात्राएँ की और जब इसकी चारों यात्राएं वॉयजेस पूरे हो गए तो उसने एक विविध अलग अलग टाइप का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिया कहाँ का अमेरिका की ज़मीन का अमेरिका की लैंड का कैसा है कहाँ है सब कुछ उसने बताया आफ्टर दिस वॉयजेस क्रिस्टोफर कोलम्बस के वॉयजेस आफ्टर फोर वॉयजेस ऑफ अमेरिको वेस्पुची देअर वॉज सब्सटेंशियल माइग्रेशन ऑफ पीपल और जब लोगों ने सुना कि वहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं जब चार बार यात्रा करने के बाद अलग अलग टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया किसने वेस्पुची ने तो लोगों को समझ में आया यार कि ये लैंड तो इनहेबिटेबल है हम वहाँ जाके रह सकते हैं तो ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अमेरिका जाके रहने लगे सब्सटेंशियल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग हमारे ब्रिटेन से कहाँ चले गए अमेरिका चले गए फ्रांस से भी गए इस न्यू वर्ल्ड में विच टू बी अमेरिका बाद में हमने क्या कहा अमेरिका और ये जो नाम है अमेरिका ये किसके नाम से आया अमेरिका के नाम से आया ठीक कोई बात तो बेटा आप इतनी बातें तो आपको पता चल गई होगी कि ब्रिटेन से फ्रांस से बहुत सारे लोग कहाँ पहुँच गए अमेरिका रहने के लिए पहुँच गए चलो अब हम देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन को बट अमेरिका में इतने सारे लोग जाकर रहने लगे रहने लगे कि बाय द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी के एंड तक थर्टीन इंग्लिश कॉलोनीज़ बन चुकी थी कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट अब देखो अटलांटिक कोस्ट अटलांटिक कोस्ट पे देखो ये जैसे पूरा न, हम देखें नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर थर्टीन कॉलोनीज़ बन चुकी थी किसकी ब्रिटेन की ठीक है कब तक एटीन सेंचुरी के एंड तक यहाँ पर है अटलांटिक ओशन कौन सा ओशन है अटलांटिक ओशन तो अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे भी हम बोल सकते हैं साथ ही साथ अगर ये अमेरिका का मैप है तो अमेरिका में यहाँ नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पर वेस्ट होगा तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे या अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर थर्टीन कॉलोनीज़ बन चुकी थी किसकी ब्रिटेन की कब तक बाय द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी तक ठीक कोई बात ये जो कॉलोनीज थी इन्हें ऑटोमिनी दी ऑटोनमी दी गई थी कि भैया आप अपनी लोकल गवर्नमेंट बना सकते हो ठीक है अब लोग कहाँ से आके रह रहे हैं ब्रिटेन से रह रहे हैं कुछ लोग फ्रांस से आके भी रह रहे हैं कितनी कॉलोनी बन गई यहाँ पर ब्रिटेन की थर्टीन कॉलोनीज बन गई हैं तो ब्रिटेन ये कह रहा है कि तुम चाहो तो तुम थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी ले लो अपनी लोकल गवर्नमेंट बना लो अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन तुम बना सकते हो पर फाइनल तुम्हारा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही होगा क्योंकि हो तो तुम कॉलोनी है ना हमारी कॉलोनी हो जैसे इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था जब तक ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर रूल किया सारे रूल्स रेगुलेशन हमें उनके मानने पड़ते थे तो ऐसे इन्होंने भी कहा कि तुम लोकल अपनी गवर्नमेंट बना लो बट दे वर स्टिल अंडर द कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट पर फाइनल तुम्हारे ऊपर तो कंट्रोल कौन ही करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट विच हैड द राइट टू लेवी टैक्सेस ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर पूरा राइट था कि वो अमेरिका की थर्टीन कॉलोनीज पे टैक्स लगाता था लेटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द थर्टीन कॉलोनीज एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एमर्ज पर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग टैक्स लगाए जाते बढ़ाए जाते फिर कुछ ऐसी कंडीशन कहते थे कि ट्रेड करोगे तो हमारे साथ ही करोगे ये चीज़ लोगे तो हमसे ही लोगे तो इस वजह से बेटा जो थर्टीन कॉलोनीज थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनके बीच में डिस्प्यूट होना कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गए बिकॉज ऑफ अनफेयर टैक्सेशन क्योंकि जो टैक्सेशन का सिस्टम था ये भी बहुत अनफेयर था तो ले करके ये लोग आपस में अब झगड़ेंगे डिस्प्यूट होगा द कॉलोनिस्ट प्रोटेस्टेड प्रोटेस्टेड विद द नो टैक्सेशन, विदाउट रिप्रेजेंटेशन, देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट से सारे रूल्स रेगुलेशन बन के आ रहे हैं टैक्स वो बना के बता दे रहे हैं इतना इतना टैक्स लगेगा तो अब जो थर्टीन कॉलोनीज़ में रहने वाले अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन दे दो हम अपने हक़ की बात वहाँ पर रखेंगे और फिर आप हम पे टैक्स लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आपने हमें रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं दिया आपके पार्लियामेंट में रूल्स रेगुलेशन आप हमारे लिए बनाते हो टैक्स आप हम पे लगा देते हो तो अब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आप हमें पार्लियामेंट में बुलाओ हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ये टैक्सेस को पे करेंगे अदरवाइज नो ये बाद में वही बात बोल रहे हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है हमारी ग्रीवियंस है हमारी परेशानी है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास कोई राइट right नहीं है कि वो हमारे ऊपर टैक्स लगा दे क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा ही नहीं है ये जो कॉलोनीज थी इन्होंने वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस लड़ा और अपने आप को फ्री करा लिया किससे ब्रिटिश कंट्रोल से, से. तभी हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को क्या भी कहते हैं वॉर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस बिकॉज इन दैट वॉर कॉलोनी कॉलोनी कॉलोनीस व फाइटिंग विथ ब्रिटिश फॉर वॉट फॉर इंडिपेंडेंस कि वी डोंट वॉन्ट योर अंडर्स रूल्स एंड रेगुलेशन ना वी वॉन्ट फ्रीडम इंडिपेंडेंस और फाइनली जीत अमेरिका की हुई भी दिस इज़ नोन एज द अमेरिकन रेवल्यूशन इसे अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं दे आर वॉर वेरियस फैक्टर्स बिहड अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस तो एक दो कारण नहीं थे बेटा कि टैक्सेशन अकेले मुद्दा हो ऐसा कारण नहीं था और भी बहुत सारे रीजंस थे जिनको हम वन बाय वोना पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखो इंग्लैंड ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई किसको लेके अमेरिका को लेके अमेरिका की थर्टीन कॉलोनीज़ को लेके वो सबसे मेन रीज़न थी जिन्होंने अमेरिकन्स को गुस्सा किया रिसेंटमेंट का मीनिंग होता है बच्चा नाराजगी रोश गुस्सा क्योंकि जो वर्ड है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझो इसका मीनिंग होता है आर्थिक शोषण मतलब इंग्लैंड भर भर के ऐसी पॉलिसीज़ बनाता था ऐसे प्लानिंग करता था जिससे वो अमेरिका की रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन कर सके ओवर यूटिलाइजेशन कर सके है ना अमेरिकन लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण कर सके तो जो पहला रीज़न बना किसका रिसेंटमेंट का वो पॉलिसीज़ ही थी अब हम पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी इंग्लैंड की इकोनॉमिक मैटर में आर्थिक मैटर में फाइनेंस के मैटर में वो प्राइमरी कॉज थी जिसकी वजह से अमेरिकन कॉलोनीज को गुस्सा आया हर कंट्री की जो सरकार होती है बेटा वो उस कंट्री पे टैक्स लगाती है तो उस कंट्री का कुछ वेलफेयर भी करती है जैसे हमारी सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो डैम बना रही है रोड्स बना रही है दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है जो गरीब है उन्हें फ्री में हॉस्पिटल्स एजुकेशन दे रही है तो हमारी कंट्री के लिए कुछ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हमारी कंट्री हम पे टैक्स लगा के नेपाल और भूटान का भला करने लगेगी तो वो हमें अच्छा लगेगा क्या नहीं ना तो ऐसा ही हो रहा था कॉलोनीज़ में कि टैक्सेस तो कलेक्ट किए जा रहे हैं किससे अमेरिकन से और जितना पैसा है वो ले जा कर दे दिया जा रहा है इंग्लैंड को दे दिया जा रहा है चलो ईच कॉलोनी हैड अ लोकल असेंबली हर कॉलोनी की एक लोकल असेंबली थी जो रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करती थी लोकल मैटर्स थी पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनके ऊपर वो लॉज इम्पोज करती थी जो हमेशा ही जो कॉलोनीज थी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाते थे पहले तो क्या बोल दिया कि लोकल लॉज तुम बना दो फिर जो बड़े लेवल के लॉज होते हैं वो कौन बना के लाता ब्रिटिश पार्लियामेंट बना के लाता और वो हमेशा किसके अगेंस्ट में होते कॉलोनीज़ के अगेंस्ट में ही होते वो हमेशा किसके फेवर में होते ब्रिटेन इंग्लैंड के फेवर में ही होते ठीक है बात एक बार फिर से पढ़ें क्या ईच कॉलोनी हैड अ लोकल असेंबली हर कॉलोनी की लोकल असम्बलीज़ थी जो लॉज़ को फ्रेम करती थी लोकल मैटर्स के लिए पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने लॉज को भी इम्पोज करती थी जो हमेशा अगेंस्ट में होते थे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनीज़ कॉलोनीज़ का जो इंटरेस्ट होता था हमेशा उसके उल्टाई जाते थे जो अमेरिका था उसे जो इंग्लैंड इंग्लैंड बोले जो ब्रिटेन बोले दोनों सेम ही हैं बट तो थोड़ा सा अंतर है कि इंग्लैंड एक कंट्री थी ब्रिटेन में वेल्स और स्कॉटलैंड दोनों आ जाते हैं ठीक है इंग्लैंड अकेली कंट्री है पर इंग्लैंड जब वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ मिलकर कलाएँ बना लेती है यूनियन बना लेती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चा ब्रिटेन तो जो ब्रिटेन था वो अमेरिका को हमेशा कैसे देखता था एज़ अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कि भैया एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले आएंगे इट वॉज लेउन दैट शुगर टबैको कॉटन इंडिगो को एंड समर कमोडिटीज़ को भी एक्सपोर्टेड ओनली टू इंग्लैंड और ऐसे इन्होंने कानून बना दिए थे कि आप अपनी कंट्री में जो टबैको जो शुगर जो कॉटन जो इंडिगो ग्रो करोगे उसको सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लैंड ही एक्सपोर्ट कर सकते हो और किसी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो डू रिम्बर मैं अगर अपनी कंट्री में कुछ भी ग्रो कर दी हूँ तो मैं चार कोटेशंस मंगवाऊँगी चाइना से यू एस से यूक्रेन से और जो सबसे अच्छा मुझे प्राइज़ ऑफ़र करेगा मैं उसको सेल आउट कर दूँगी पर यहाँ पर ये यह रूल था ही नहीं यहाँ पर क्या बोलते थे अमेरिका इंग्लैंड के लोग कि आप कुछ भी ग्रो करो आपको अल्टीमेटली सेल तो हमें करना है एक्सपोर्ट तो हमें करना है हैवी ड्यूटीज़ बर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन द कॉलोनीज फ्राम अदर प्लेसिस और ये क्या करते थे दुष्ट लोग ब्रिटिश लोग कि अगर किसी और कंट्री से कोई गुड अगर आ जाता कॉलोनीज में मतलब यू एस ए में तो ये उसके ऊपर भयंकर ड्यूटी लगा देते और उसको महंगा कर देते तो मतलब अमेरिका की कॉलोनी के पास एक ही ऑप्शन था ब्रिटेन वहीं से गुड मंगवाओ और वहीं को गुड भेजो अगर आप किसी दूसरी प्लेस से अगर कोई गुड मंगवा लोगे अपनी कॉलोनी में तो उस इम्पोर्ट पे भयंकर ड्यूटीज़ हैवी ड्यूटीज़ लगा देगी कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोज़ करो मुझे 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 कहाँ से मंगवा लूँ मैं स्पेन से मंगवा स्पेन से कोई चीज़ बहुत कम दामों में मिल रही थी फिफ्टी रुपीज़ में मिल रही थी तो मैंने आ, अमेरिका मतलब जो थर्टीन कॉलोनीस थी वहाँ पर मंगवा ली थी इंग्लैंड ने बोला ऐसे कैसे हो गया आपको नहीं मंगवाना चाहिए तो चलो मंगवा ली कोई बात नहीं अब हम इस पर हैवी ड्यूटी लगा देते हैं अब आपके मार्केट में एक इतने का बेगा वन फिफ्टी का तो आप कोई वन फिफ्टी का कोई लेगा क्या जिसकी वर्थ पचास रुपये की उसको कोई डेढ़ सौ में खरीदेगा बिल्कुल भी नहीं चलो तो जो कॉलोनिस्ट थे वो बहुत ही परेशानी में थे द कॉलोनिस्ट वर ऑल्सो फॉर विडन टू स्टार्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज़ येस अब देखो जो कॉलोनिस्ट थे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोलूशन आया जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपांशन होने लगा तो वो चाहते थे कि भैया हम आयरन इंडस्ट्री खोल लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल लें तो इंग्लैंड क्या बोलता था बिल्कुल नहीं आपको आयरन हम देंगे आपको कॉटन हम देंगे आप इसमें डील नहीं कर सकते ठीक ही बात चलो तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्हें बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आप कुछ इंडस्ट्रीज़ तो ओपन अप नहीं करोगे कौन कौन सी नहीं करोगे आयरन वर्क में नहीं करोगे वुल एंड गुड्स की नहीं करोगे मतलब ऊन से रिलेटेड काम नहीं करोगे लोहे से रिलेटेड काम नहीं करोगे टेक्सटाइल भी आप खुद भी नहीं बनाओगे क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ ये सब प्रोड्यूस कर रही हैं और आप खुद प्रोड्यूस करने लगोगे तो हमें मिलेगा कंपटीशन और अब हमें एक नया कॉम्पिटिटर पैदा नहीं करना चाहते तो सुन लो कान खोल के यूएस के लोगों यू एस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स तो बाद में बनेगा जब ये आज़ाद हो जाएंगे अमेरिका की तेरह कॉलोनी कान खोल के सुन लो तुम कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं ओपन करोगे कोई वूलन कुछ में का काम नहीं करोगे कोई आयरन वर्क का काम नहीं करोगे जो भी कुछ चाहिए हमसे बोलो हम तुम्हें तो ला के देंगे कहाँ तुम खुद प्रोड्यूस करने लगोगे फिर हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओगे हमें लॉस होगा हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते चा ना पोलिटिकल सिस्टम इन कॉलोनीस अब पॉलिटिकल सिस्टम में ये पहले ही हम जान चुके कि बच्चा हर कॉलोनी की अपनी असम्बली थी जिसमें उसके मेंबर्स हुआ करते थे ठीक है और उन मेंबर्स को इलेक्ट करते थे कॉलोनी के लोग मतलब देखो जो कॉलोनी में जो भी लोग रह रहे होंगे एक कॉलोनी में वो अपने लोकल लीडर को इलेक्ट कर देंगे हाव एवर दीज असम्बली इज़ हेडेड बाई गवर्नर पर इन असम्बली को हेड करता था गवर्नर जिसको अपॉइंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यही तो क्या हो गई डेमोक्रेटिक कोटोक्रेसी डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इसको यही नाम दे, दे देंगे ना हम कि भैया डेमोक्रेसी तो है साथ ही साथ डिक्टेटरशिप भी चल रही है क्या मेरी बात समझ में आ गई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है वन मैन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू तो ये तो तुमने लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दी इलेक्ट होकर लीडर्स भी आ गए पर वो लीडर्स किसके अंदर काम कर गवर्नर के अंदर काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे ब्रिटेन ने क्या कैसा पोलिटिकल सिस्टम बनाया है भैया अमेरिका में डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का मतलब डेमोक्रेसी भी दे दी और साथ ही साथ गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया और ये गवर्नर किसके कहने पे काम करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे काम करेगा अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा तो ये कौन सा तरीका हुआ ये तो पागल बनाने वाली बात हुई चलो तो लोकल असम्बलीज थी जिनके लिए लोग इलेक्शन भी करते थे लोग चुन के नेता भी बनते थे पर वो नेता अपनी मर्जी से बहुत कम काम करते कर पाते थे क्योंकि उनके ऊपर बैठाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गवर्नर जो गवर्नर होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था लोगों के लिए कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए वो जो काम करता था वो हमेशा किसके इंटरेस्ट का ही करता था बेटा इंग्लैंड के इंटरेस्ट का ही करता था बोला जाता था कि ये लोगों के लिए बना है पर हमेशा वो किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता था इंग्लैंड के इंटरेस्ट दिस वॉज ग्रेटली रिसेंटेड बाय द पीपल ऑफ़ द कॉलोनीज और कॉलोनीज के लोग इससे भी परेशान थे ये कैसा सिस्टम बनाया अजीब सा भैया हमसे कहते अपने नेता को चुने हमारे नेता की चली नहीं रही है चल रही है गवर्नर की तो ये सिस्टम तो भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस बात से रिसेंटेड रिसेंटेड का मतलब मैंने पहले भी बताया है नाराजगी गलत लिखी है कि नाराजगी मतलब गुस्से का कारण बना देन सेपरेट आइडेंटिटीज ऑफ द कॉलोनीज जो भी लोग ब्रिटिश कॉलोनीज़ में रहते थे अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनीज़ में रहते थे उनका डिस्टिंक्ट सोशल कल्चर था कल्चरल लाइफ स्टाइल था अलग अलग तरीके से वो रहते थे अलग अलग उनके कस्टम्स थे ट्रेडिशन थे वो बिलीव करते थे सिंपल और लिबरल थॉट्स में जो कि इनकी मदरलैंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे ठीक है इनकी जो मदर लैंड थी वहाँ पर एक अलग ही सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम से परेशान होकर तो ये कहीं यहाँ आए थे तो इस वजह से इनको लगने लगा था कि भैया यार हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल और लिबरल थाट्स के साथ अमेरिका में रहना चालू किया जो कि मदर लैंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे ओवर द ईयर्स जैसे जैसे टाइम जाता गया जो कॉलोनीज थी उसने एक अलग आइडेंटिटी को डेवलप किया जो उनकी खुद की थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज़म नहीं था रूढ़िवादिता नहीं थी साइंस था टेक्नोलॉजी थी रीज़न था लॉजिक था दिस इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम और यही लिबरल आइडियाज़ ने फ्रीडम ने इन्हें इंस्पायर किया कि भैया हमें अपने लिए लड़ना चाहिए ना फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द रिवोल्यूशन अभी जो रिवोल्यूशन हुआ इसकी फिलोसफिकल बेसिस क्या थे फिलोसफी का मतलब क्या होता है बच्चा दर्शन साथ फिलासफ़र्स को क्या बोलते हैं दार्शनिक है ना मतलब फिलोसफी आप लोगों ने सुनी होगी ना अब नहीं सुनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी समझ के बाहर चीज़ होती है थोड़ी सी वो तो इस टाइम में बहुत सारे फ़िलासफ़र्स सा आए और ये फलासफ़र्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग रेडिकलाइज़ हो जाते हैं अब जैसे कोई कह रहा है कि राजा को कोई राइट right नहीं है कि वो आपके ऊपर रूल करे किसी दूसरी कंट्री इसको कोई राइट right नहीं कि आपको कॉलोनी बनाए और अपने ऊपर आपके ऊपर ऊँट पटांग रूल्स रेगुलेशन लगाए और आपके ऊपर रूल करे ऐसी ऐसी बातें ये रेवोल्यूशन मतलब पोलिटिकल फ़िलासफ़र्स करते थे जिनकी वजह से भी एक आधार बना रेवोल्यूशन एक क्रांति के लिए जो अमेरिकन रिवोल्यूशनरी थे बहुत इंस्पायर थे फिलासफर्स के आइडियाज थे वो फिलासफ़र कौन से जॉन लॉक थॉमस जेफरसन वोल्टायर जीन जैक्रूसो दे बिलीव दैट ह्यूमन हैड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स थॉमस जेफरसन वोल्टायर रूसो लॉक ये सब सोचते थे कि हर व्यक्ति के पास कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे ठीक है बात ये फंडामेंटल राइट इन इनिबल पार्ट है हमारे लाइफ का इनको अगर हम नहीं देंगे किसी व्यक्ति को तो उसका जीवन एक प्रॉपर जीवन नहीं कहलाएगा ये किसका विचार था सारे फिलासफर्स का वो कहते थे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं विच नो गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी है। टू डिस जिनको कोई गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी डेसों में नहीं कर सकती उन फंडामेंटल राइट्स को लोगों से अलग नहीं कर सकती ऐसा कौन बोल रहे हैं हमारे फिलोसफर्स द इवेंट्स लीडिंग टू रिवोल्ट अब हम वो इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से रिवोल्ट हुआ अब बेटा थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी पर अब कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे ऐसे सरकम आएंगे जिससे अब लोग सोचेंगे अब तो आर या पार ओपन रिवोल्ट करना ही पड़ेगा और ये ओपन रिवोल्ट ही बिगनिंग होता है किसका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी बेटा उसने स्टैम्प एक्ट पास किया सेवेंटीन सिक्सटी फाइव में स्टैम्प एक्ट कब पास हुआ सेवनटीन सिक्सटी फाइव में करने वाली कौन थी पास ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इम्पोज करता था स्टैम्प टैक्सेज ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अमेरिका जितने भी राइटिंग मतलब जिन पे भी प्रिंटिंग का काम होगा जो प्रिंटेड मटेरियल होगा उन सब के ऊपर स्टैम्प एक्ट लगेगा ऐसा कहना था ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिस एडेड टू द ग्रीवियंसिस ऑफ द कॉलोनिस्ट अब कॉलोनिस्ट इससे परेशान होने लगे कि अब इसके लिए भी हम पैसा देंगे दो हम ए और बी बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका के लोग हम दोनों अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उस पर इस ड्यूटी किसको जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं ऐसा तो नहीं होगा इससे लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गया उनकी परेशानियाँ और बढ़ गई रेवेन्यू स्टैम्प अप टू ट्वेंटी शिलिंग्स वर टू बी अफिक्स टू ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्वेंटी शेलिंग्स तक का आपको रेवेन्यू uh, स्टैम्प लगाना पड़ता था सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तक जो जो अमेरिकन थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वॉयलेंटली प्रोटेस्ट किया लड़ने को तैयार हो गए कि भैया हम कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करेंगे कोई ट्वेंटी uh, शेलिंग्स हर लीगल डॉक्यूमेंट के लिए खर्चा नहीं करेंगे हमें ऐसा नहीं करना एंड बायकॉटेड ब्रिटिश गुड और उन्होंने ब्रिटिश गुड का बायकॉट भी स्टार्ट कर दिया देखो बेटा जिसे हम बोलते हैं ना बलून एक टाइम तक आप उसमें एयर फिल करोगे वो फिल करता जाएगा करता जाएगा एक के बाद जब आप ओवरलोड कर दोगे तो वो फट जाएगा फूट जाएगा तो ऐसे ही हुआ अमेरिकन के साथ कि एक तो ये बेचारे वहाँ से आके यहाँ रह रहे हैं यहाँ ये नो अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं प्लांटेशन में काम कर रहे हैं अपने आप को ग्रो कर रहे हैं ऊपर से तुम तीसरे तुम यहाँ आपके हमको टैक्स लगा रहे हो है ना फिर टैक्स लगा रहे हो तो तो ठीक था आप एक्ट ले आए तो ये लोग आप अब इनसे सहा नहीं जा रहा अब ये वॉयेंटली ही एक्ट करेंगे तो इन्होंने ब्रिटिश गुड को भी बाइकआउट किया और वॉयेंटली प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया जो अमेरिकन्स थे अमेरिकन फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू तो विदड्रॉ द स्टैंप एक्ट और ये जो वॉयेंट प्रोटेस्ट है इस वजह से अमेरिकन ने फोर्स किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि भैया आप तो है ना स्टैंप एक्ट हटा लो कॉल दो टी अटैक्स ऑन टी कंटिन्यू टू बिलिट स्टैम्प टैक्स तो जैसे तैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिल पे पत्थर रख के हटा लिया पर उन्होंने टी पर जो टैक्स लग रहा था उसको नहीं हटाया उसको कंटिन्यू लिवाए करते रहे लगाते रहे इससे भी वाइड स्प्रेड अपोजिशन था कि भैया यार टी पर क्यों टैक्स लगा रहे हो चाय बेचारी चाय वो चाय की आदत भी तुमने ही हमको लगाई उस चाय पर टैक्स ना लगाओ तो ठीक है ब्रिटिश कहाँ सुनने वाले थे ब्रिटिशर्स को पता था चाय ऐसी चीज़ है आप अपनी मम्मियों को देखना उन्हें खाने को दिन भर मत दो चाय दे दो इवन मैं मुझे ऐसा लगता है चाय सुबह मिले चाय दस बजे मिले चाय बारह बजे मिले चाय तीन बजे मिले तो चाय तो ब्रिटिशर्स को पता था बिना पिए ये, ये रह नहीं सकते चाय का कंजुम्शन होगा ज़्यादा तो टैक्स भी कलेक्शन होगा ज़्यादा इसलिए चाय पे टैक्स तो हटाना नहीं चाहिए अब चाय पे क्योंकि टैक्स लगता रहा तो एक इवेंट हुआ जिसका नाम है बॉस्टन टी पार्टी जब मैंने पहली बार बहुत पहले जब पहली बार बॉस्टन टी पार्टी सुना था तो मुझे ऐसा लगता था कि बॉस्टन में बहुत सारे लोगों को चाय पिलाई गई होगी बढ़िया चाय चाय के साथ रस बिस्किट दिए गए होंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस्टन टी पार्टी में तो इन्होंने हमारी अच्छी प्यारी चाय के जो कैरेट्स होते हैं जो टी के जो कैरेट्स होते हैं ड्राई टी जो होती है ना उसको उठा के पानी में फेंक दिया था ये थी बॉस्टन टी पार्टी चलो तो बॉस्टन टी पार्टी सिग्निफाई करती है गुस्से को लोगों के कब 16 दिसंबर 1773 16 दिसंबर 1773 को थ्री को होता है बॉस्टन टी पार्टी इंसीडेंट जहाँ पर जो अमेरिकन नेशनलिस्ट होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं द एक्स ऑर्बिटेंट टैक्सेशन बाय द ब्रिटिश वो जो बहुत सारे चाय के बॉक्सेस होते हैं टी को वो उतार के समुद्र के अंदर फेंक देते हैं सी में फेंक देते हैं डिस्ट्रॉयड मेनी बॉक्सेज ऑफ द टी ऑफ द ब्रिटिश शिप एंकर्ड एट द बॉस्टन टी हार्बर एंकर करना मतलब लगा देना तो बॉस्टन में जो हार्बर था बॉस्टन एक जैसे मैंने अभी बताया ना कि थर्टीन कॉलोनीज़ एटलांटिक की ईस्टर्न कोस्ट पे थी तो यहाँ पर है बॉस्टन तो बॉस्टन में जो पोर्ट था इस पोर्ट पे एक शिप को एंकर किया गया था मतलब एक बहुत बड़ी सी शिप को यहाँ आके लगा दिया गया था तो इस शिप में थी बहुत सारी चाय टी तो यहाँ से इन लोगों ने बहुत सारे बॉक्सेस को निकाला और पानी में फेंक दिया ये जो इंसिडेंट था हैंड्स फोर्थ नोन एज बोस्टन टी पार्टी बोस्टन हार्बर पे हुआ इसीलिए इसे क्या कहते हैं बोस्टन टी पार्टी और इसी ने ट्रिगर किया वो हम बोलते हैं ना कि एक आखिरी चिंगारी की जो जरूरत थी वो चिंगारी बनी बोस्टन टी पार्टी किसके लिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए 1774 में रिप्रेजेंटेटिव्स जो 13 कॉलोनीज के थे उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या नाम था उसका फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहाँ बुलाई फिलेडेल्फिया में फॉर द फिलेडेल्फिया कांग्रेस ये जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी इसे फिलेडेल्फिया कांग्रेस भी कहते हैं तो 1774 में तेरा कॉलोनी के जो 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 जो, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग का क्या कहाँ बुलवाई फिलेडेल्फिया में बुलाई जिसे फिलेडेल्फिया कांग्रेस भी कहते हैं जो कांग्रेस थी उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रिविया पास किया क्या पास किया जरा यहाँ पर 1774 में जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बैठी थी उसने क्या पास किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवियंसेस और अपील की किंग जॉर्ज थ्री से जो इंग्लैंड के किंग थे कि भैया जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपने हमारे ट्रेड के ऊपर लगा रखे हैं वो हटा लो इस तरीके से तो हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं बिजनेस नहीं कर पा रहे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे तो किंग जॉर्ज थ्री आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो आपने हमें ट्रेड हमारे ट्रेड के ऊपर लगा रखेंगे हटा लो हमारे जिससे मर्जी होगी हम उससे ट्रेड करेंगे हमें जिससे जो खरीदना होगा हम उससे खरीदेंगे अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी पर ऐसा गुस्से से नहीं बोला प्यार से बोला किसने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस पर किंग जॉर्ज थी क्या इन बातों को प्यार से मान लेंगे बिल्कुल नहीं द डिक्लेरेशन ड्रॉन बाय द रिप्रेजेंटेटिव अज दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट अब एक बात और लिख दी इतना तो लिखा ही था साथ में साथ ये भी लिख दिया कि भाई किंग कि जॉर्ज थ्री तुम और तुम्हारी ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसको कोई राइट नहीं है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाए विदाउट देयर कंसेंट हमारी सलाह के बिना हमारे ऊपर तुम कोई एक भी नया टैक्स नहीं लगाओगे ये तो ओपन चैलेंज जैसा लग रहा है ना किंग जॉर्ज थ्री तो गुस्सा ही हो जाएंगे कि ये कॉलोनी के चिंकी मिंकी पिंकी ये हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं हमें बोल रहे हैं कि हम पे टैक्स मत लगाओ हमारे रिस्ट्रिक्शन हटा लो आठ

और हम बनाएंगे अब अपनी आर्मी और अब फुल फ्लजड वे में लड़ाई करेंगे किस से ब्रिटेन से ठीक है बात किसने ऐसी बात कही सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कब कही सेवेंटीन सेवेंटी फाइव में और लीडर कौन बने जॉर्ज वॉशिंगटन अब डिसाइड किया इन्होंने कि भाई अब हम लड़ाई करेंगे फाइट करेंगे इंडिपेंडेंस के लिए फोर्थ जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने अनाउंस कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सेवनटीन सेवनटी सिक्स को आज़ादी की घोषणा कर दी गई फोर्थ जुलाई सेवनटीन सेवनटी सिक्स को तो जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया, मनाया जाता है पंद्रह अगस्त को ऐसे ही इनका इंडिपेंडेंस मनाया जाता है फोर्थ जुलाई को सेवनटीन एटी वन में जो इंग्लिश कमांडर थे कॉर्नीलिस सरेंडर्ड बिफोर जॉर्ज वॉशिंगटन जो कॉर्नीवालिस थे उन्होंने सरेंडर कर दिया किसके सामने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने ठीक हुई बात फोर जुलाई सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को जो कॉलोनीस थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया सेवनटीन एटी वन में इंग्लिश कमांडर कॉर्नीवालिस ने भी सरेंडर कर दिया जॉर्ज वाशिंगटन के सामने फिर ट्रीटी ऑफ पैरिस हुई सेवनटीन एटी थ्री में इंग्लैंड रिकोगनाइज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स थर्टीन कॉलोनीज और ये जो ट्रीटी ऑफ पैरिस हुई इसके थ्रू इंग्लैंड ने रिकोगनाइज़ किया कि भैया चलो अब आज से तुम आजाद हो और यहीं पे एग्जिस्टेंस में आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की सुपर पार कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पर अभी हमारे नरेंद्र मोदी विजिट पे गए हैं अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन बेटा ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ इसका क्या इंपॉर्टेंस है अब हम वो डिस्कस करेंगे बेटा तो पहली बात तो जो अमेरिकन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस हुआ ये किसके लिए इंडिपेंडेंस ले आया अमेरिका के लिए इंडिपेंडेंस ले आया ठीक कोई बात अमेरिका आज़ाद हो गया किससे आज़ाद हो गया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो गया फिर बेटा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया था कहाँ पर फिलेडेल्फिया में जिसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके लिए थर्टीन कॉलोनीज़ के लिए वो कब से इफेक्ट में आ गया सेवनटीन एटी नाइन से इफेक्ट में आ गया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी के बाद नहीं बना ये लोग तो अपन लोगों ने देखा था कि सेवनटीन सेवेंटी सिक्स को खुद को आज़ाद करा चुके थे भले उस टाइम में ब्रिटिश इन्हें रिकोगनीशन दे रहा था या नहीं दे रहा था तो उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई गई थी फ़िलेडलफिया ने उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया थर्टीन कॉलोनीज के लिए जो इफेक्ट में कब से आया नाइन से आया विद इट अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत स्टेब्लिस्ड इन अमेरिका और अमेरिका में क्या बन गई रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर हैड इलेक्टेड होगा सेवनटीन एटी नाइन में जॉर्ज वॉशिंगटन को इलेक्ट किया गया एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरल एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल मतलब जहाँ दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करे एक यूनियन गवर्नमेंट हो और एक स्टेट गवर्नमेंट हो तो आ, अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर एक यूनियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट्स की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है तो फेडरल और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मतलब वन मैन वन वोट वन वैल्यू सारे लोग इलेक्ट करेंगे लीडर्स को तो सेवेंटीन एटी नाइन में जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेडरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना वॉज़ इंट्रोड्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड और फेडरल और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार एग्जिस्टेंस में कब आए सेवनटीन एटी नाइन में लेके आने वाली कौन सी कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो अमेरिकन्स ने बनाया वो लैंडमार्क था बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं ना बेटा वो किससे लिए हैं बिल ऑफ़ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स किसके अंदर अमेरिकन uh, कॉन्स्टिट्यूशन में फिर हमने जो प्रीएम्बल लिखा लिया है तो ये जो प्रीएम्बल है तो ये प्रीएम्बल भी हमने किससे लिया है बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है ठीक है बात तो जितनी भी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस ली कॉलोनियल रूल से उन्होंने उनके लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एक बेस की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ अमेरिका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका में एस्टबलिश द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई अमेरिका में वो दुनिया को सिखाते हैं सबको बताते हैं कि भैया जो भी पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा हो जो भी इनजस्टिस आपके साथ हो रहा हो उसके लिए प्रोटेस्ट करो राइट टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ो इंडिपेंडेंस लो इट वॉज एविडेंट दैट डीपली अफेक्टेड द वर्ल्ड इन देंचुरीज़ टू कम और आने वाली सेंचुरीज में भी अमेरिकन रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि भाई आज़ादी तुम्हारी अपनी है अपने लिए लड़ो अपने राइट्स के लिए लड़ो सो इस यू वुड इन दिस वीडियो हेयर ओनली फिव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन